नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी पटना से। दरअसल दानापुर से ये बड़ी खबर है और यहां पर जो है मनेर गंगा घाट पर विस्फोट की खबर आ रही है। बड़ा विस्फोट हुआ है मनेर के गंगा घाट पर, जिसमें जो पहली खबर निकलकर सामने आ रही है हमारे पास, उसके मुताबिक 4 लोगों के जान जाने की सूचना है। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, बड़ा हादसा हुआ है मनेर के गंगा घाट पर। कहा जा रहा है कि अवैध बालू लदे जो ट्रैक्टर थे उस पर, नाव थी, उस पर विस्फोट हुआ है और अवैध बालू की ढुलाई के दौरान ही यह विस्फोट सामने आया है, जिसके बाद की 4 लोगों की मौत की सूचना है। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर, बिहार में अवैध बालू खनन और अवैध बालू की ढुलाई को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और उसी के दौरान जो है इस बार विस्फोट हुआ है। पहली बार जो खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सिलेंडर फटने से यह विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट के बाद 4 लोगों के जान जाने की भी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। अभी अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैसे भी बिहार में अवैध बालू के खनन को लेकर, अवैध बालू की ढुलाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर कई बार सरकार और जिला प्रशासन पर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना में इसका ना तो ढुलाई रुकता है ना ही खनन रुकता है और पूरे बिहार की भी स्थिति लगभग लगभग यही है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं बल्कि सवाल उठते रहे हैं। अब देखिए, चूंकि अवैध बालू लदा जो नाव था उस पर विस्फोट हुआ है और उस पर जो है कहा जा रहा है कि कई लोग जो सवार थे उनमें से 4 लोगों की मौत हुई है, तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर से यह खबर निकल कर आ रही है। मनेर गंगा घाट पर विस्फोट हुआ है और यह विस्फोट इतना भयावह था, इतना दहलाने वाला था कि आसपास के इलाके में इस विस्फोट के साथ अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। 4 लोगों के जान जाने की जो है सूचना है और 4 लोगों के जान जाने के साथ ही आसपास के जो लोग हैं वो सहम गए हैं। वहां पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल जो है यह कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मामले की जांच के बाद पूरा मामला और खुलेगा, किस प्रकार यह विस्फोट हुआ, क्या कोई लापरवाही हुई या फिर अवैध बालू का जो ढुलाई है नाव के रास्ते उससे जो है कहीं कुछ और प्रभावित हुआ जिसके बाद यह विस्फोट हुआ। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। देखिए राजधानी पटना के सटे मनेर गंगा घाट पर जो है विस्फोट हुआ है, 4 लोगों की जान चली गई है। वैसे भी यह पहली घटना नहीं है, हालांकि विस्फोट की यह पहली घटना है मनेर गंगा घाट पर नाव में, लेकिन ढुलाई का जो मामला है, बालू के अवैध ढुलाई का जो मामला है, वो पहली बार नहीं है। ऐसे घाटों पर, पटना के ही नहीं गंगा घाटों पर, सोन नदी के घाटों पर अवैध बालू की ढुलाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है बिहार में, आप भी जानते हैं। तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि बालू की अवैध ढुलाई पर रोक लगेगी। सड़क पर आप गाड़ियां देखते होंगे, ट्रैक्टर्स देखते होंगे, ट्रक देखते होंगे जो रात के टाइम में पास किए जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिलीभगत सामने आती है। बड़ी खबर इस वक्त की, पटना के मनेर गंगा घाट पर जो है नाव में विस्फोट हुआ है और 4 लोगों की जान चली गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।